हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज मैं क्या कर रही हूँ, ये सेटिंग कुछ ऐसे कर रखी थी मैंने जो कि मुझे अब पसंद नहीं आ रही है और 2-3 दिन हुए हैं मुझे ऐसे किए हुए, तो इसको कर रही हूँ मैं चेंज, क्योंकि दिल को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, सुकून सा नहीं मिल रहा ऐसे करके, तो इसको करते हैं अब चेंज। तो जी कर लिया इस तरह से, थोड़ी सी जगह दिखने लगी है और अब अच्छा लग रहा है। तो कमरे में जब तक थोड़ी सी जगह ना दिखाई दे ना तो अच्छा नहीं लगता है। और अब मुझे करने हैं गेहूं साफ, आज काम बहुत ज्यादा है, अभी गेहूं साफ करूंगी फिर उसके बाद बनाऊंगी गुजिया, तो बहुत ज्यादा काम है। और मैं कपड़े भी धुलने के लिए रखे, लेकिन आज कपड़े नहीं धोऊंगी, आज गुजिया बनाएंगे क्योंकि कल है होली। सुबह का खाना बनाया, उनको खिलाया और जब वो ड्यूटी चले गए तब मैंने ब्लॉग को शुरू किया, तब मैंने अपने कमरे की सेटिंग चेंज करी, उसके बाद मैंने गेहूं साफ करे। और उससे पहले 2-3 दिन मैंने पापड़ बनाए थे, उसमें लग गए। तो पापड़ बनाने के लिए मुझे वहीं पर जब सुखाना होता है ना तो वो छत पर ही मुझे बैठना पड़ता था, इसीलिए गेहूं साफ करने का टाइम ही नहीं मिला, तब इसीलिए आज मैं जल्दी जल्दी सारे काम खत्म करके गेहूं साफ करे। गेहूं साफ मेरे हो गए हैं और अब कर लेते हैं गुजिया बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले सूजी को घी में भूनेंगे, सूजी को भून करके मैं पहले रख देती हूँ, फिर उसके बाद मावा को गर्म कर लेंगे। एक किलो सूजी थी तो मैंने आधी सूजी निकाल ली है, मतलब आधा किलो सूजी मैं घी में भून रही हूँ। और मैंने एक बड़ा सा चमचा करके घी दे दिया है कढ़ाई में, और घी गर्म हो चुका है तो सूजी को भी डाल देते हैं। लगातार चलाते हुए हमें सूजी को भूनना है। सूजी इतने अच्छे से मैंने भून लिया, इसका कलर कुछ ब्राउन सा ऐसा हो गया, और गैस मैंने बंद कर दिया और सूजी को निकाल देते हैं। खोए को भी मैंने थोड़ा सा भून लिया है। घर में खोया बनाते हैं ना तो उसको भूनने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाहर से जो खोया आता है उसको थोड़ा सा भून लेना चाहिए। बादाम को मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है और काजू को अदरक कूटने वाले में कूट ले रही हूँ मैं, आधे से तो कूट लिया है और बाकी के बचे हैं वो भी कूट ले रहे हैं। और सोमू ने इलायची को पीस दिया है डिब्बे। सबसे पहले खोया को डाल लेते हैं। अब मैं गुजिया बनाने का मसाला तैयार कर रही हूँ, खोया डाल दिया मैंने, खोया थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है, और इसमें भुनी हुई सूजी वो भी डाल देते हैं, और नारियल का बुरादा, ये ड्राई फ्रूट है, चिरौंजी है, बादाम, काजू और ये किशमिश। ईसु हो गई साफ? नो, ये बता देते हैं। डाली तो थी, अभी थोड़ी सी डाली है ना, ज्यादा मत डालना। लो डाल दो, डाल दो, डाल दो, वेरी गुड, डाल दो, डाल दो। अब सबको मिक्स करेंगे और फिर डालेंगे इसमें बूरा मीठे के लिए। चीनी डाल दो। चीनी नहीं, बूरा डालते हैं, ज्यादा मीठा मत करना। यस, ज्यादा मीठा नहीं करना। मिर्ची भी डाल दे रहे हैं। मिर्ची डाल दो। चलो
ईशु के लिए बनाएंगे मिर्ची के गुजे समोसे। आलू डाल दो। लाओ वो इसको काटने के लिए। चुटिया दिखाओ अपनी। मिर्ची लेकर आओ। चुटिया दिखाओ। चुटिया दिखाओ ईशु की चुटिया। अब जितना मीठा हमें चाहिए और हमारे बच्चों को चाहिए उतना मीठा डाल देते हैं। गरम नहीं है? गरम है, गरम हो गया। मैदा को मैंने छान लिया और इसमें अब डालते हैं घी। मोहन के लिए घी। मोहन 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 कम से कम एक बड़ा चम्मच हो जाए घी, इतना हमें घी डालना है इसमें। बस बस बंद करके रखें। अब इसको अच्छे से पहले घी को मिला देंगे और फिर पानी से एक थोड़ा टाइट सा डो बनाकर हमें तैयार करना है। ये काम सबसे मजेदार लगता है ना। करो। गुजिया बनाने में मेरा पूरा परिवार मेरे साथ लग गया है। हर एक का काम अलग अलग अपने आप ही बांट लिया कि मैं गुजिया भरूंगी, मैं गोले बनाऊंगी और मैं ये करूंगी। और मेरा काम था पूड़ी बनाने का, क्योंकि सबसे थोड़ा टाइट आटा होता है और सबसे टफ काम यही होता है ना। तो मम्मी आप ये करोगे। मैंने कहा ठीक है चलो मैं पूड़ी बनाती हूँ। तो त्यौहार में आनंद ही तब आता है, मज़ा ही तब आता है जब पूरा परिवार एक साथ काम में मदद करे और हेल्प करे। गुजिया रेडी। गुजिया रे। गुजिया रे। पूरा बनाओ मम्मी, इसमें रखो 500 का नोट। हाँ वो किसके नसीब में आएगा? किसी के नसीब में आएगा, वो खा के पता चलेगा। तेल में नसीब में आएगा, खराब नहीं होगा। खराब 500 का नोट थोड़ी ना खराब होगा। नहीं होगा, नहीं होगा खराब। तो वो तो आटे के अंदर एकदम पैक्ड होगा ना, वो कैसे खराब हो सकता है? अरे इतनी गर्मी होती है उसमें अंदर, और क्या बदल जाएगा, बदल जाएगा और ये सब पिघल जाता है। ये एक काम करते हैं ना, एक आटे की पतली से ये बनाओ, उसमें रैप कर दो नोट को। तो जरूरी है नोट ही? सिक्का रख दो। सिक्का रख दो। कोई अनहाइजीनिक नहीं होता क्या? सिक्का का पेट चलाओ, ऑपरेशन कराओ। ये तो एक बार में पूरे गुजिया खा जाता है। किसी के बाहर वाले के आ गया तो दाती फूल रहा कागज पे लिख दो 500 का नोट और देगा कौन? चलेगा नहीं ऐसे। नुकसान तो पापा का ही है, किस जगह भी आए पापा का ही बहुत फायदा नहीं है। आ गया तो खुद को देंगे। हम तीनों का फायदा हो सकता है, बस हम तीनों में से कौन देगा? ये देखिए हम तीनों से किसको मिलेगा? नहीं कुछ तो रखो, कुछ तो रखो 500 का नोट पत्र रखो, ये देखेंगे किसके पास आएगा। नहीं बस ये देखना हो जाए तो बस ये कि किसके पास आएगा। दो तीन चीजें लिख के देख। ये बेकार बनी है मम्मी, फूटी के अंदर से किनारे पे ऐसे बस किनारे कहीं जा ही नहीं रहा। किनारे पे दे दे, नेका बेल दो, ये छोटी कर ले। उधर का खींच रही है, मुझे भरना था। मेरी प्लेट कहाँ गई? लाल की देर में आई। पोले पोले हाथ चला रही है, देखिए कैसे कट्टा बिंदी बनी है। गोली। इसी तरह से हंसी मजाक करते करते मेरी सारी गुजिया बन गई। और बच्चों को काम में साथ में लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे कैसे सीखेंगे हमारे त्यौहार क्या होते हैं और त्यौहार पे क्या क्या बनता है और ये गुजिया में क्या क्या पड़ता है। वो साथ में रहेंगे तभी तो सीखेंगे। हम भी अपनी मम्मी से सीखे और हमारे बच्चे भी हमसे सीखेंगे। बैटर तो है पर बच्चों ने इतने कम कम भरे। हाँ, तो कम मैदा ख़त्म हो गई, अब मुझे दोबारा गूंदनी पड़ेगी। कम बेलते बेलते तो मेरी बाजू थक गई। मैं कह रही थी ज्यादा ज्यादा भर दो, ज्यादा ज्यादा भर दो। अब मैं दोबारा आटा गूंद रही हूँ, अब पहले सेक दो इनको। सेक दो पहले। हाँ तो ये अब सेक लेते हैं।
जो भी गुजिया और थोड़ी सी जो बची है उनको बाद में बनाएंगे। कढ़ाई में मैंने तेल दे दिया है और तेल गरम हो चुका है। डाल के चेक करते हैं कि तेल गरम हुआ कि नहीं हुआ। हो गया, डाल दी। ये करेंगे उधर ही रखते, ये गोल्डन हो रही है फिर भी कच्ची है। तो जी गुजिया बन गई हैं और सबसे पहले हमारे ठाकुर जी के लिए गुजिया का भोग और तब हम लोग चखेंगे कि कैसी बनी है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना।